वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ये मेरे आगे के रूम की विंडो का व्यू है जहाँ पे मैं ज्वार रखती हूँ और ये कबूतर जो हैं वो ज्वार खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखना। और यहाँ पे देखिए ये मिस्टर क्या कर रहे हैं, और इसके बाजू में प्रिशा भी लेटी हुई है, लेकिन मुझे बोल दिया था मम्मी मुझे शूट मत करना, मैं लेटी हुई हूँ तो इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। ये स्कूल से जल्दी आ गए हैं क्योंकि इनकी स्कूल में चल रही है स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस, तो आज स्कूल जल्दी छूट गया है। तो दोनों के दोनों टीवी देख रहे हैं और ऐसे बेड लगा लिया है, दूसरे वाले सोफे को यहाँ कंबाइन करके दोनों लेटे हुए हैं। देखो मैं इसे छेड़ रही हूँ, पूरा नींद में है यादी, और ऐसे ब्लैंकेट डाल के दोनों, ये रात को यही वाला ब्लैंकेट लेके सोते हैं, पोकेमोन वाला है, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर वाला है। और ये देखो इसने टैडी बियर को तकिया बना के रखा हुआ है और ऐसे सोफ़ा लगा के दोनों पिक्चर देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी वाली मूवी देख रहे हैं ये। तो बस ऐसे है, पूरा दिन ऐसे जा रहा है मेरा। आज फाइनली वहाँ पे फंक्शन है तो तैयार होके जाने वाली हूँ। देखो मस्ती कर रही हूँ मैं इससे बदमाश लड़के से, और अभी दोपहर का टाइम है, विवेक के साथ पुराने फ्लैट पे जा रही हूँ, थोड़ा सा उनको काम था, तो फिर घर आने के बाद आपको फाइनली आराम से मिलती हूँ। आओ पढ़ाई कर लो, से हाय। सो क्यूट है ये, देखिए यूनिफॉर्म में घूम रहा है शाम तक, इसका पानी गर्म हो चुका है पर नहाने नहीं जा रहा है ये। और अभी शाम के बजे हुए हैं, कितने बजे हैं बाबू? मैं हमेशा टाइम भूल जाती हूँ। बिल्कुल ये सो के उठ के आई है, और हाँ ये इसके नए चश्मे हैं, जैसे आपको पता होगा ना इसके चश्मों में भी प्रॉब्लम आई थी, तो ये इसके नए चश्मे हम लोगों ने कल ही लिए हैं। कैसे लग रहे हैं ये वाला फ्रेम बताइएगा। और अभी टाइम हो रहा है 5:30-6 बजे का, और 2 बजे की, 2 बजे की सोई है, जस्ट अभी उठी है। 4 घंटे ये गुंडा नहीं सोया है, 12 बजे स्कूल से आ गए थे, तब से जो है मैडम तो खाना खा के सो गई थी। मैंने मिक्स दाल फ्राई बनाई थी, खाया नहीं था। तुमने खाना नहीं खाया ना? हाँ, हम लोगों ने खाया था, ये बिना खाए सो गई। बहुत सारा नाश्ता खा लिया, मिक्स दाल फ्राई बनी हुई थी आज। और अभी मैं भी नहीं पूरा दिन बात कर पाई हूँ क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ काम में लगी हुई थी। आज शाम को हमें जाना है जिस शादी में, मतलब जिसके कल हम उसमें गए थे ना, वो जो फंक्शन था हल्दी का, आज उनके यहाँ पे है वो संगीत का कार्यक्रम है। तो बस अभी शैम्पू वैम्पू किया है मैंने, थोड़ी देर पहले ही शैम्पू किया है, और शाम को वहाँ जाएंगे। विवेक 6:30 बजे से चले जाएंगे अपनी, मतलब मेरी टीम को लेके, हमारी टीम को लेके। मुझे भी बोल रहे हैं आओ, लेकिन फिर मैंने कहा आप हो, फिर छोटा फंक्शन है, क्या करना है, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, तो चलेगा, तो वो चले जाएंगे। और ये देखिए कपड़े धुले हुए हैं, आज कपड़े धोए हैं फिर से, मेरा कुर्ता सलवार सब कपड़े सूखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर तो यहाँ पे नहीं है, अभी गर्मी तो लग रही है। अभी पता नहीं शाम को क्या पहन के जाऊँगी मैं, देखते हैं क्या पहनना है, या तो सूट पहन के जाऊँगी या फिर कुछ लॉन्ग गाउन जैसा पहनूँगी, जो भी पहनूँगी। अभी कोई मेकअप नहीं कर रखा है, सिर्फ पिंक कलर की, वो भी बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक है, नहीं तो कुछ सारा, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे कि आपने जो है नहाते ही मेकअप कर लेते हो, स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है। मैंने आज बालों में दही डाली हुई थी, और मैंने कौन सा शैम्पू किया है, इलांसा का बनाना वाला। बाबू बहुत फिटिफाई लग रहा है इस चश्मे में, एकदम अच्छा अच्छा लग रहा है बाबू, कितना क्यूट लग रहा है। और ये चाय बना रहा है, और आई होप कि आज तुम चाय नहीं निकालोगी। अभी तो मैं फिलहाल, तुम जम्बाइया मतलब नींद मत फैलाओ, तुम तो मैं देख के मुझे नींद आ जाएगी। मुझे नींद आ रही है, पानी गर्म करके आई हूँ पहले। मम्मी मैं कपड़े निकाल लूँ और लगा दूँ, फिर उसके बाद अच्छी वाली चाय बनाऊँ। नहीं कपड़े बाद में नहीं, अच्छा वो वाले कपड़े, हाँ मैंने ना आज ना सुबह से जो कपड़े धुल रहे हैं अभी भी फिनिश नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़े से चल रहे हैं, तो मैंने इसको बोला ये कपड़े सुबह जो मैंने सुखाए उतार लो और नए सुखा दो, तो वही सुखा रही है मैडम और फिर बनाएंगी चाय। इनको सोते उठते मैंने 3 काम सौंपे हैं, चाय बनाने का, ये कपड़े उतारने का, और यहाँ दूसरे लगाने का, और तीसरा काम कौन सा, बेड पे कपड़े, ये कपड़ों को मैंने तह लगाने बोला है। नहीं ये मैंने सुबह धोए थे, सूख चुके हैं और कुछ कल के हैं, यहाँ ये सो गई थी, इनकी चादर भी ऐसी पड़ी हुई है, चादर भी खड़ी करो बेटा, तह लगाओ अपनी चादर, सो के उठ के अपनी चादर खुद तह लगानी चाहिए सबने। तो चलिए फिर आपको मिलती हूँ मैं चाय वाय पी के, क्योंकि आज तो मुझे थोड़ा सा तैयार भी होना है, हल्का फुल्का सा मेकअप भी करना है। अगर टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी कैसे तैयार होकर जा रही हूँ, नहीं मिला तो सॉरी, ट्राई करूँगी कि दिखाऊँ मैं कैसे तैयार होकर जा रही हूँ। थोड़ा बहुत BBC सी क्रीम तो आज ज़रूर लगाऊँगी। पूरे घर के लाइट पंखे सब ऑन किए हुए हैं, पूरा घर फैला फैला हो रहा है। चलिए मैं समेट देती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ये विंडो ओपन करते हैं। गाइस तो तैयार हो चुकी हूँ मैं जाने के लिए गरबे में DJ नाइट, और वही वाली कुर्ती पहनी है जो मैंने पहनी थी मेरे बर्थडे पे, बिकॉज एकदम से मुझे मतलब मिला भी नहीं कुछ, और मेरे पास ना पार्टी वेयर कुर्तीज़ वगैरह कम है, तो अब मुझे जो है ख़रीदनी पड़ेगी कुछ पार्टी वेयर कुर्तीज़। मेरे पास सिंपल कुर्तीज़ का कलेक्शन काफ़ी है, लेकिन पार्टी वेयर कुर्तीज़ नहीं है, क्योंकि जनरली मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ जाते हुए, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे पहले से जा चुके हैं हम लोग, अब पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:15 समथिंग टाइम हो रहा है, वो यहाँ से
7:45 निकल गए थे, अभी 7:45 हो रहे हैं, हमें निकलने में और 15-20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मैडम हमारी जो है वो कम रेडी हैं, अभी पूरी रेडी नहीं है। तो ये देखिए इयररिंग्स पहन रही हैं, अच्छी लग रही है बहुत। इसने ब्लैक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है, पूरा गेटअप ऐसे है, कुछ नीचे वाले हील वाले सैंडल्स हैं और एक ब्लैक कलर की जो है प्लाजो पहनी है मैंने, उसके ऊपर मिरर वर्क है प्लाजो पे और उसके ऊपर से ये है। अभी आवाज़ कम करो टीवी की, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। जाने से पहले ना मेरा मेकअप नहीं करवा लूँगी शायद से। नहीं बहुत हो रही है तो वहाँ जितना शूट हो सका मैं ज़रूर करूँगी, आपको दिखाऊंगी कैसा है फंक्शन। लिपस्टिक थोड़ी वाइब्रेंट लग रही है ना, वैसे वाइब्रेंट नहीं लगती, पता नहीं इस कैमरे में वाइब्रेंट लगती है, वैसे इतना वाइब्रेंट कलर नहीं है, सेम इस कुर्ती का कलर है, जैसे ये कुर्ती है ना सेम कलर है। जब तक तैयार हो रही है मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाएँ, और ये सिंदूर है ना मैंने इसी लिपस्टिक से लगा लिया। वैसे मैंने ना कलर बार का सिंदूर मंगाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ रखा हुआ है। प्रिशा कुछ याद है? और मैं नेल पेंट लगाने का सोची थी वो भी नहीं लगा भाई, ये देखिए निकल गया है, कितना गंदा लग रहा है, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिला। दिन में सोचा भी, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ा था पुराने फ्लैट पे, विवेक को ना कुछ टी शर्ट्स वगैरह वहाँ से, मतलब उनकी टी शर्ट वगैरह कुछ वहाँ पे रखी हुई है, तो उनको उसको आयन करवाना था, उसके लिए चले गए, इसलिए मैं फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला ये लगाने का। शाम को फिर आके चाय वाय पी, फिर विवेक को भेजा। और पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं अपने हेयर स्टाइल्स वगैरह चेंज क्यों नहीं करती, जैसे और यूट्यूबर्स करते रहते हैं, पार्लर में जाते हैं, कभी वो कैराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, कभी हेयर कट लेते हैं, कभी हाइलाइटिंग करवाते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल्स करवाते हैं। एक्चुअली मेरे हेयर्स थिन बहुत हैं फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग मेरे को बस यही स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आगे से हल्के से स्टेप्स हैं। कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि दीदी आपका हेयर कट कौन सा है, तो आज बता देती हूँ, ये आगे से थोड़े से लेयर्स हैं और पीछे से सिंपल यू है, क्योंकि मेरे जो बाल हैं थोड़े हल्के हैं, वॉल्यूमाइज्ड है नो डाउट, बिकॉज मैं ध्यान रखती हूँ, केयर करती हूँ, इसलिए वॉल्यूमाइज तो रहते हैं मेरे हेयर्स, लेकिन जो है पतले हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करती मेरे हेयर्स के साथ। सेकेंडली मेरे जो हेयर्स है ना बहुत जल्दी रफ हो जाया करते हैं, इसलिए मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं कोई भी तरह का ट्रीटमेंट या कुछ भी क्या बोलते हैं स्ट्रेटनिंग या कोई भी ऐसा टूल मैं यूज़ नहीं करती। मेरे घर में स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, मेरा मन भी कर रहा था आज कि मैं स्ट्रेट कर लूँ जाने से पहले, लेकिन मुझे वॉल्यूमाइज्ड हेयर्स जो होते हैं ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे मेरे फेस पे, शायद आई डोंट नो, फिर पता नहीं अच्छे लगते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बट मुझे इस तरह से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये इयररिंग्स वही वाले पहने, ये ना मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जनरली जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं यही वाले प्रेफर करती हूँ, इवन साड़ी के साथ भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक रिंग डाल ली है हाथ में, दैट्स इट। ये देखिए हमारी परी आ गई है, ये देखिए मेरे बाल, मम्मी जो तो वॉल्यूमाइज नहीं है लेकिन आई ट्राई टू डू इट। इयररिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे भी, बर्थडे वाले पहने मम्मी के, मैंने भी वही वाले, नहीं मैंने वो नहीं पहने, मुझे ना उसमें बहुत वेट लगता है और मेरे कानों में थोड़ी सी इश्यू है, तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, एक पीछे क्लिप लगा लो बस। तो फिर चलिए अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है आई थिंक बात करते करते, और इसको पिन वगैरह लगा के दिए, इससे ना पूरा आगे से फ्रंट ओपन एक ड्रेस पहनी हुई है जो कि फ्लोर लेंथ है, और साथ में नीचे उसने जीन्स पहनी है, उससे बोल रही थी प्लाजो पहन लो, और उसने पंखा चला दिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट नहीं हुई है। और पीछे जो पड़ा हुआ है ना सब मायके वाला सामान ही पड़ा है, अभी तक मैंने अंदर मैं नहीं रख पाई हूँ, किसी ना किसी काम में बिजी रहती हूँ। तो वाओ ये लुकिंग प्रिटी, अब हमें लगती दिखाओ, वाओ, और इसका लिप कलर अच्छा लगा, और इसने शाय स्टाइल्स का लिप कलर लगाया हुआ है जो काफ़ी पहले मैंने मंगवाया था और आपके साथ शेयर भी किया था, बहुत प्रीची कलर है, पीच कलर है, और मैंने जो लगाया हुआ है वो ना पीच है ना पिंक है, ऐसा सा कलर है, मतलब एक्चुअली ये इस पे जाना चाहिए था, नहीं 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 ये इस पे ही जा रहा है, नो ये वाला जा रहा है, ये सही जा रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं, इंजॉय करते हैं, प्रिशा डांस करेगी तो आप लोगों के लिए जरूर शूट करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। नो आई एम नॉट गेटिंग टू डांस, यू आर गोइंग टू डांस, No. कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, पता है जिसकी शादी है ना वो क्यूट है, आपने कल के वीडियो में देख लिया होगा, प्यारी सी है, मतलब बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ शी इज़ क्यूट, अच्छी लग रही थी वो तैयार होके। कल उसकी मेहंदी के टाइम पे भी हम लोग गए थे रात को, मेरे मायके से क्या क्या मिला है आपको सब दिखाना बाकी है यार मुझे, मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही, मैं मम्मी बहुत ही बिजी हो चुकी हूं, तो बहुत बिजी रहती हूं यार, बोल चुकी हो तो अब ये सब पहन दो, कितना अच्छा लग रहा है बाबू सोना, ये फ्रंट ओपन कुर्ती है, अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर, जाओ हील पहन लो, जाओ फोटो भी खींचते हैं, तुम्हारा नेकलेस बहुत स्वीट लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी, कमेंट करके बताना कैसी लगी। फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके या फिर वापस आने के बाद, तब तक आप एंजॉय कीजिए, अगर प्रिशा ने डांस किया तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी। प्रिशा नहीं मम्मा,
नो मम्मा तो नहीं करने वाली है फॉर श्योर, प्रशा भी नहीं करने वाली। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो फिर चलते हैं। ओके देखते हैं। अच्छी लग रही है, लग रहा है कि गरबा खेलने जा रही हो, वही ज्वेलरी है, वही सब कुछ है, वही गेटअप है। तो यहाँ पे आपको प्रिशा दिखाई दे रही है गरबा करती हुई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर उसने डांस किया तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी, बस इसीलिए कैप्चर कर रही हूँ। ये प्रिशा देखिए सामने से क्रॉस हो रही है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मुझे भी उन लोगों ने फोर्स किया लेकिन मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए ये थक थका के थोड़ी देर के लिए बैठने आई है मेरे पास। और ये ब्राइड है, आप दुल्हनिया से मिल लीजिए। ये ब्राइड है जो ग्रीन कलर के, पिस्ता ग्रीन कलर के लहंगे में आपको दिख रही है ना। और ये देखिए मेरे साथ स्माइल दे रही है, मज़ा आ रहा है। हम लोग कब से इन्जॉय कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने आते ही खाना खाया, यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए ये ब्राइड जा रही है, जो चल के जा रही है ना लहंगे में, काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, प्यारी। मेरी छोटी सी एंजल भी बहुत प्यारी लग रही है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं, देखिए ये जो बा दिखाई दे रही है ना, आपको बा कहते हैं यहाँ पे ना, इतना कोई एजेड होता है उसको बा कहते हैं गुजरात में। इन्होंने कम से कम भी नहीं तो मतलब इस तरह से जो राउंड मारते हैं ना, इसे गरबा कहते हैं जो ये लोग कर रहे हैं ना राइट नाउ, इसे गुजराती गरबा कहते हैं, सिंपल वाला गरबा। ये बा ने लगभग लगभग आप समझ लो बहुत देर तक किया था गरबा, बहुत सारे राउंड मारे थे, मतलब हम लोग आश्चर्य कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? कल के बाद डायरेक्ट अब बात हो रही है और अभी मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पहचान में है ये वेडिंग, तो उनके यहाँ पे आज मतलब शादी है आज फाइनली। तो पहले मैं जा रही हूँ प्रोफेशनली, इसीलिए इस गेटअप में जा रही हूँ, जीन्स और ये वाली टी शर्ट पहन के, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर पहले मैं जा रही हूँ। जो गर्ल का ब्राइड का मेकिंग होता है ना, जिस टाइम पे जब वो तैयार हो रही होती है पार्लर में, उस टाइम पे उसका वो शूट करते हैं, जब वो रेडी हो रही होती है एकदम आर्टिस्टिक वे में, मतलब लिपस्टिक लगाते हुए, काजल लगाते हुए, आई शेडो लगाते हुए, आप सब लोगों को पता होगा। तो ब्राइड की मेकिंग में मैं अभी जा रही हूँ। सुबह से कैमरा ऑन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बिजी थी मैं, एक बार वहाँ जाके आई हूँ, टीम वहाँ पे काम करी थी। फ़ोन आ रहा है किसी को, आपसे दो मिनट में बात करती हूँ, कि फ्रेंड का फ़ोन है। तो एक बार मैं जाके आ गई हूँ, सुबह से टीम वहाँ पे है, काम कर रही है। सांतक विधि थी मॉर्निंग से, सांतक विधि यहाँ पे एक पूजा होती है जिस दिन शादी होती है उस दिन मॉर्निंग में। तो ये तीन दिन से फंक्शन चल रहा है, एक दिन आपने देखा हल्दी चल रही थी, दूसरे दिन कल डांडिया रास चल रहा था, वो भी मैंने काफ़ी कुछ आपको दिखाया है। तो मुझे नहीं पता ये दोनों तीनों व्लॉग साथ में आएंगे या एक व्लॉग साथ में आएगा और फिर दो साथ में आएंगे, आई रियली डोंट नो। तो आज शादी है फाइनली। तो अभी दोपहर का कितना बचा है, 2:30-3 बजे का टाइम है और इस टाइम पे जो है गर्ल यानी कि ब्राइड वो जा रही है पार्लर में तैयार होने के लिए। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको शूट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी टीम उसको शूट करती है, कैसे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि आप वैसे तो फोटोग्राफर हो, आप घर में दिखाई दे रहे हो, तो काम कम है इस बार, काम कम है, लास्ट ईयर भी काम कम था। तो अब ये है ऑर्डर, तो आज जा रही हूँ, आपको बता के जा रही हूँ कि ऑर्डर पे जा रही हूँ और वहाँ शूट भी करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से मेरी टीम काम करती है, कैसे काम होता है। और चूंकि हम वेंडर्स हैं तो मैं कई बार ऐसे टीम हायर करके रख देती हूँ, नहीं तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। कि वहाँ पे मैंने मेरी टीम छोड़ी हुई है काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियोस का भी लोड होता है, काम का लोड होता है घर में, बस इसीलिए वहाँ पे टीम अभी आजकल मैं रख देती हूँ, जब से मेरा यूट्यूब का काम जो है काफ़ी बढ़ गया है तब से। तो ऐसा नहीं है मैं खुद भी करती हूँ, मैं कैंडिड्स करती हूँ। अगर किसी को बताओ कैंडिड फोटोग्राफी किसे कहते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ, जो आपके नेचुरल मोमेंट हम लोग कैप्चर करते हैं उसे कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। अगर ब्राइड जो है वो ग्रूम को देख के हंस रही होती है, ग्रूम ब्राइड को देख के हंस रहा होता है, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं वो हम कैप्चर करते हैं उसे कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी। तो वो मैं करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे मेकिंग के टाइम पे, तो शायद मैं कुछ शूट करूँगी, लेकिन मेरी जो टीम है ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचने वाली है और विवेक मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो इसलिए बस तैयार हुई हूँ। और शाम को फिर मैं दोबारा से आऊँगी, बच्चे अभी तो घर पे ही रहने वाले हैं, फिर मैं लौटूंगी शायद अभी 3:30 बजे का टाइम है, तो 3 बजे से मेकिंग है, 5 बजे शायद मैं अप्रॉक्सीमेट 5:30 घर पे आऊँगी, फिर बच्चों को रेडी करूँगी क्योंकि हम वहाँ इन्वाइटीज भी हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो बच्चों को तैयार करके फिर मैं लेके जाऊँगी 7:00 डायरेक्ट शादी में। लेकिन वहाँ पर टीम तो होती ही है काम करने के लिए,
तो कुछ लोगों की मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए थे काफ़ी पहले कि दीदी अगर आपसे हमें हमारा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो तो किस तरह से करवाएं, क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो ऑब्वियसली मैं तो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड जा सकती हूँ काम करने के लिए। तो आप लोग मुझे मेरे मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको कोटेशन वगैरह भेज दूंगी, फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी, अगर हमारी डील कन्फर्म होती है तो फिर उसके थ्रू बातचीत होगी और फिर मैं मेरी टीम को लेकर आ जाऊँगी। अगर मैं आउट ऑफ सिटी आऊँगी तो मैं साथ में आऊँगी मेरी टीम को लेकर, आप ऐसे मत सोचना कि तब मैं घर पर रह जाऊँगी और सिर्फ टीम को भेज दूंगी, ऐसा नहीं है, मैं साथ में आऊँगी मेरी टीम के। ओके, तो ये तो सिटी की बात है इसलिए मैं इस तरह से रख देती हूँ, आती जाती रहती हूँ, क्लाइंट को मिलती रहती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं आता। और विवेक तो टीम के साथ चले ही जाते हैं कई बार, तो कोई इशू नहीं आता, सबको पता है वो मेरे हस्बैंड है तो कोई इशू नहीं आता है। क्यों कुछ कुर्ती वगैरह पहन के जाऊँगी, अगर टाइम मिला जल्दी आ गई तो साड़ी पहन लूँगी, नहीं टाइम मिला तो फिर कुर्ती पहन के जाऊँगी, जैसे भी होगा। और लंच वंच हमारा हो गया है, मैंने तो वहीं पर खा लिया था, बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन मंगवाया था, ये देखो यहाँ पर टी वी देख रहे हैं बच्चा। हाय तो करो, मैं शाम को आऊँगी आप लोगों को लेने मेकिंग में से। ओके, अभी तो मेकिंग में 5:30 तक भी आ जाऊँगी शायद, डिपेंड करता है कितने बजे वहाँ से फ्री होती हूँ, उस पर डिपेंड करता है ना बाबू। नहा के आए बाबू, शैम्पू करके आए, शादी में जाएगा आज इसलिए शैम्पू किया बाबू ने। हाय करो, पाड़ा पाड़ा लग रहा है। कौन सा शैम्पू किया पापा ने? आज बनाना शैम्पू किया था, आज विवेक ने ना बनाना शैम्पू किया था, वो इलांसा का जो मैंने आपको रिव्यू भी किया था ना वो वाला, और वो बोले थे बहुत अच्छे। गप्लू चंद गोपाल हाय करो, हाय। ये कौन सा नींद आ रही है? हाँ नींद आ रही है। आज इसने भी ब्राउन लगाया, देखो देखो देखो, मैंने हाथ पे लगाया। हाँ तूने पाँव पे लगाया? मैंने हाथ पे लगाया। अच्छा, मैं लगाने वाली हूँ। ये स्टेक ऑर्की का है, मैं लगाने वाली हूँ। अच्छा शेड है, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये शेड, स्टेक ऑर्की का है। तो यहाँ पे हम लोग पार्लर में आ चुके हैं जहाँ पे ब्राइड को रेडी करने के लिए बुलाया है। ऑलमोस्ट पूरा मेकअप हो चुका है, हमारी टीम ने पूरा शूट कर लिया है, और जब इनकी हाईलाइट बन के आ जाएगी ना, जो ग्लिम्स होते हैं वेडिंग के, तो वो भी मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। एक्चुअली बहुत सारे हाईलाइट्स मेरे पास लास्ट ईयर के भी हैं, जो मैंने काम किया था उससे लास्ट ईयर के भी हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यूट्यूब पर हम सॉन्ग के साथ रख नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन मैं उसका भी कुछ रास्ता निकालूंगी और आपको अपना वर्क ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए कितनी क्यूट लग रही है ब्राइड, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ का एक काफ़ी फेमस पार्लर है, सलून है, वहाँ पे वो तैयार होने के लिए गई थी। और ये देखिए साइड पे विवेक दिखाई देना आपको ऑरेंज शर्ट में। तो चलिए बस आपको दिखा दिया एक ग्लिम के कैसे शूट करते हैं हम लोग, फिर मिलती हूँ आपको। घर पे आ चुकी हूँ, बच्चों को तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये कुर्ती पहनी हुई है मैंने, इस तरह की कुछ स्लिट वाली कुर्ती है, यहाँ से सिल्क की कुर्ती है, तो ये पहन के मैं शादी में जा रही हूँ। मैंने आपको बोला ही था कि मैं साड़ी वाड़ी शायद नहीं डालने वाली, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू, इसलिए ब्लू इयररिंग्स डाले हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होकर जा रही हूँ, हेयर स्टाइल बस ऊपर बन बनाया हुआ है, दैट्स इट। पीछे मैंने हेयर कलर किया था, और कौन सा कलर किया था, कैरेमल कलर किया था, तो इस वजह से ये बाल जो है इतने ज़्यादा ब्राउनिश कैरेमल कलर काइंड ऑफ कलर आ रहा है पूरे बालों में, ये रीज़न है। तो आज फाइनली वेडिंग है, बस आज के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे फिर। और मेकअप मैंने कुछ करा नहीं है अभी, तो सिर्फ लिपस्टिक रेड लगा ली है, क्योंकि हर वक्त पिंक अच्छी नहीं लगती, आज वेडिंग में जा रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट कलर लगा के जाऊँ। ये दिखा देती हूँ आपको, ये सिल्क की कुर्ती है और अच्छी लगती है, मतलब शादी वादी में पहनने लायक ही कुर्ती है। मैंने एक बार आई थिंक ब्लॉग में पहनी थी, जस्ट एक ही बार, उसके बाद नहीं पहनी कभी। प्रिशा तैयार हो रही है, तब तक मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ। इसमें कोई कुछ किचन बोल रही हूँ, कोई किचन खाना किसी चीज़ का रूटीन नहीं हुआ है इस ब्लॉग में, क्योंकि ये है टोटली शादी, जब मतलब शादी वादी कुछ ऐसी होती है, 2-3 दिन से हम लोग रोज़ फंक्शन में जा रहे हैं तो घर पे खाना भी नहीं बन रहा है, ये रीज़न है, कुछ नहीं है। और ये ब्राउन बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने वैसे एक बार आपको दिखा दिया, फिर आप बोलोगे दूसरी बार रिपीट करती हो दीदी, लेकिन फिर से दिखा देती हूँ, किसी ने ध्यान से ना सुना हो, स्टेक ऑर्की का नेल कलर है। अगर चाहिए तो मैं आपको शेड नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए चेंज करके कपड़े ऐसे छोड़ दिए प्रिशा मैडम ने, मैं उठा के रख देती हूँ, टॉवल भी ऐसे ही छोड़ दिए, कपड़े भी ऐसे ही छोड़ दिए। और अभी जो है मेरा बाबू तैयार हो गया है, दिखाते हैं आपको। ये देखो जी, हाय बाबू, हाय। कौन सी मूवी देख रहे हो? कोई मूवी देख रहा है? ओके ठीक है बाबू, सब पीछे का बालकनी का डोर बंद कर दो बस, दीदी तैयार हो जाए फिर निकलते हैं। तो चलिए फिर शादी में जाते हैं, खा पी के आते हैं, मज़ा करके आते हैं। ये हमारी महारानी तैयार हो चुकी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, ये देखिए हाथ में चूड़ियाँ डाली है, कौन सी वाली? अरे ये तो रूबी दीदी वाली।
सिल्वर की। अच्छा, वाओ लुकिंग प्रिटी। ये देखिए प्लाजो सूट डाला है इसने, इसने ना ये दिवाली के लिए सिलवाया था लेकिन ये दिवाली पे पहन नहीं पाई थी, इसने अब पहना है, ये अच्छा लग रहा है। और चुन्नी कंबाइन करी है इसने लहंगे वाली, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जो है वेडिंग में जाने के लिए तैयार है। चलिए फिर बाबू, पूरा लुक दिखाने के लिए मैंने इस तरह से शूट किया है ताकि आप पूरा लुक देख सकें। तो ये देखिए फाइनली हम वेडिंग में पहुंच चुके हैं। कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, शिरवई पार्टी प्लॉट करके एक पार्टी प्लॉट है जहाँ पे फंक्शन है, और बीच में आप मायरा देख सकते हैं। हमारे यहाँ मंडप कहते हैं दिल्ली साइड में, लेकिन यहाँ मायरा कहते हैं। और यहाँ वेडिंग करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ वरमाला स्टेज पर होती है, यहाँ मायरे में सब कुछ होता है, मायरे में ही सारा फंक्शन चलता है, मतलब मंगल फेरा यानी कि फेरे। और यहाँ पर आप ये जो तीन लोगों को देख रहे हैं ना ग्रीन टी शर्ट में, हमारे टीम के मेम्बर्स हैं। तो बस काम चल रहा है, शूट कर रहे हैं वो लोग, आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए किस तरह से शूट करते हैं, सामने से जो है वो लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए हमारा टीम का एक मेंबर, टीम का एक फोटोग्राफर ये खड़ी हुई है। जितने भी लोग आपको ग्रीन टी शर्ट में दिखाई देंगे सब हमारे टीम मेम्बर्स हैं। और ये हेलीकैम देखिए, ये भी हमारी टीम का है, हमारी साइड से ही है। तो हेलीकैम आप सबको पता होगा। और यहाँ मिल लीजिए आप हमारी दुल्हनिया से, आज मैं आपको मिलवाती हूँ। इतनी स्वीट सी दुल्हनिया है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अब वरमाला की तैयारी है बस, मतलब वरमाला के लिए वो जा रही है। और इस तरह से हमारे यहाँ पे, मतलब ये तो सभी जगह लेके जाते हैं ऐसे दुल्हनिया को। ये देखिए हेलीकैम छोटा सा जो ऊपर से मोमेंट्स को कैप्चर करता है, ये आपने बहुत शादियों में देखा होगा, मतलब एरियल व्यू कैप्चर करने के लिए हेलीकैम यूज़ किया जाता है, उसमें कैमरा फिट होता है। इस तरह से हम कुछ शूट करते हैं जैसे जैसे जिसका वो होता है, मतलब जैसे जैसे बजट होता है। और साथ में आज इन लोगों ने स्क्रीन भी लगवाई हुई है, वो भी मैंने आपको दिखा दी। तो ये देखिए दुल्हनिया जा रही है फाइनली वरमाला के लिए, प्रिशा मैडम बैठी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर उन्होंने वो जो पकड़ के ले जा रहे हैं ना फूलों से बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको मंडप दिखाती हूँ, मतलब मायरा बहुत सुंदर बना हुआ है। तो गुजरातीज़ में ना ऐसे आमने सामने लड़की लड़के को बिठाते हैं, इधर लड़का बैठा है सामने की साइड लड़की बैठेगी, और इस तरह से पूरी शादी चलती है। फिर यहीं पे फेरे होते हैं, यहीं पे सब कुछ होता है। तो अभी ऑलमोस्ट शादी फिनिश हो चुकी है, तो अभी कपल फ़ोटोज़ मेरी टीम क्लिक कर रही है, आप देख सकते हो। कपल फ़ोटोज़ के लिए मैं अभी कपल को लेके आई हूँ, मतलब वो उठ नहीं रहे थे, फोर्स करके लाई मैं, क्योंकि एक बार खाना खाने बैठ जाते हैं लेट हो जाता है। ये दोनों हमारे टीम के फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर हैं जो कि साइड से शूट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आपने ग्रीन टी शर्ट में देखे, इसी तरह से ड्रेस कोड में हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम जब भी कहीं काम करने जाती है तो ऐसे ही ड्रेस कोड होता है हमारा, वो सभी लोग वियर करते हैं कंपलसरी, और इस तरह से काम होता है। और वॉकी टॉकी हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हम आराम से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि काफ़ी बड़े ग्राउंड होते हैं ये वो। तो ये देखिए कपल फ़ोटोज़ का सेशन चल रहा है एल्बम में लगाने के लिए, क्योंकि एल्बम में बहुत ज़रूरी होते हैं कपल फ़ोटोज़ वगैरह, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, लेट नाइट हो चुका है, मिलते हैं नए व्लॉग। बाय बाय एंड लव यू।